टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार सफर जारी। भारत ने आज एक स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। निशानेबाज अवनी लेखरा ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। वहीं चक्का फेंक में योगेश कथुनिया और भाला फेंक में देवेंद्र झझारिया ने जीते रजत। सुंदर सिंह ने भी भाला फेंक की स्पर्धा में जीता कांस्य। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। देश में अब तक कुल 63,43,00,000 से ज्यादा दिए गए कोविड टीके। बीते दिन 31,00,000 के करीब लगे टीके। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से लगेगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। गोवा में सितंबर 6 तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल में 15 सितंबर तक बढ़ी कोरोना पाबंदियां। जम्मू कश्मीर में कोचिंग सहित सभी स्कूल और कॉलेजों को अगले आदेश तक रखा जाएगा बंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राष्ट्रीय सुरक्षा पर 3रे बलराम जी दास टंडन स्मृति व्याख्यान को कर रहे हैं संबोधित। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। असम में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। राज्य के 16 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। लखीमपुर जिला बुरी तरह प्रभावित। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर सामान्य स्तर से ऊपर। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बुलाई बैठक। बैठक में ब्रिटेन और फ्रांस अफगानिस्तान में सुरक्षित जोन का रखेंगे प्रस्ताव। देश भर में आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। जन्माष्टमी पर मंदिरों में सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भीड़। राष्ट्रपति ने देशवासियों को जन्माष्टमी की दी शुभकामनाएं। या सीडीची जी चौकशी आहे ते पोलिसांकडून 4-6 महिन्यापासून सुरू आहे। त्यांचा रिपोर्ट आल्यानंतर मग त्याच्याबाबत काय आहे तो अहवाल मी जाहीर करेल। गेले 40 वर्ष मी राजकीय जीवनामध्ये काम करतो आहे। 40 वर्षामध्ये एकही आक्षेप माझ्यावर आलेला नाही। ह्या जमिनीच्या संदर्भामध्ये आक्षेपही हेतू पुरस्कार घेण्यात आलेला आहे। ह्या व्यवहाराची पूर्ण चौकशी झाली आहे। चौकशीहून याची सी समरी पुण्याच्या कोर्टामध्ये गेलेली आहे। त्याच्यामध्ये कुठलंही तथ्य नाही असं ACBने दिलेलं आहे। आणि तरीही ईडीची चौकशी सुरू आहे। आणि कर नाही तर डर कशाला। या माध्यमातून मी पण या ईडीच्या चौकशीला सामोरं जातो आहे। महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मी वारंवार सरकारला हे विचारत होते की माझा काय दोष आहे ते तरी मला सांगा। माझे विधानसभेतले भाषण यूट्यूबवर आजही आहे। मी नेहमीच सांगितलं की काय दोष आहे ते सांगा, असेल तर मला फाशीवर लावा हे सभागृहामध्ये मी सांगितलेलं आहे। आत्ता आणखी ईडीनं चौकशी लावली, समोरील काय तथ्य आहे, चूक असेल तर त्या संदर्भामध्ये कारवाई होईल। न्यायालय आहे, श्रेष्ठ न्यायालयामध्ये बघूया। पण चंद्रकांतदादांनी जे सांगितलं की आमच्याकडे जे असे गैरव्यवहार भ्रष्टाचार करणारे माणसं आहेत त्यांच्यावर आम्ही कठोर कारवाई करतो, त्यामुळे मला अपेक्षा आहे की त्यांनी आपल्या शेजारी बसलेल्या आजूबाजूच्या लोकांकडे बघावं आणि आत्ता जो सांगितलेला शब्द आहे तो त्यांनी पुरा करावा। उभा महाराष्ट्र हे जाणतो आहे आणि पाहतो आहे की एकंदरीत शुद्ध चारित्र्याचे माणसं हे आता चंद्रकांतदादाच्या आजूबाजूला भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहेत। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। राज्य में भारी बारिश के बाद पैदा हुए बाढ़ के कारण 16 जिलों में 2,58,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 6,200 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार लखीमपुर जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 1,05,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके बाद माजुली बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 57,000 से ज्यादा लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय जल आयोग की दैनिक बाढ़ की रिपोर्ट के अनुसार लगातार हो रही बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़, जोरहाट, सोनितपुर, ग्वालपाड़ा, कामरूप और धुबरी जिलों में सामान्य स्तर से ऊपर बह रही है।
बिहार में भी गंगा, गंडक सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से प्रदेश में बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने लगे हैं। पिछले दो दिनों से नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार बारिश से कोसी सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से सदर प्रखंड के रामपुर तीन ग्राही पंचायत के 5 गांव प्रभावित हुए हैं। रजवाही गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गया है। बेसिक विद्यालय सहित कई सरकारी भवनों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पश्चिम चंपारण जिले में भी गंडक नदी का जलस्तर में वृद्धि के कारण बैरैया और नौतन प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गाँव में पानी प्रवेश कर जाने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण मवेशियों का चारा पानी में डूब गया है, जिससे मवेशियों को भूखा रहना पड़ रहा है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का शानदार सफर जारी है। पैरालंपिक्स में आज भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 4 पदक जीते हैं। पैराशूटर अवनी लेखरा ने इतिहास रचते हुए टोक्यो पैरालंपिक खेलों की निशानेबाजी में आज भारत को पहला स्वर्ण दिलाया। अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में 249.6 के शॉट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अवनी का ये पैरालंपिक रिकॉर्ड भी रहा। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया ने शानदार खेल दिखाते हुए चक्का फेंक स्पर्धा के F56 वर्ग में इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। योगेश ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 44.38 मीटर चक्का फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनका पहला, तीसरा और चौथा प्रयास विफल रहा, जबकि दूसरे और पांचवें प्रयास में उन्होंने 42.84 और 43.55 मीटर चक्का फेंका। टोक्यो पैरालंपिक्स में भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जेवलिन थ्रो के F46 इवेंट में देश के खाते में 2 मेडल और ला दिए। देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक हासिल किया, वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक श्रीलंकाई एथलीट के नाम रहा। देवेंद्र ने 64.35 के थ्रो के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। देवेंद्र इससे पहले साल 2004 एथेंस पैरालंपिक गेम्स और साल 2016 के रियो पैरालंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। गोवा सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू कोविड कर्फ्यू को 6 सितंबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस दौरान कैसीनो, रिवर क्रूज, स्पा बंद रहेंगे। कर्फ्यू पहली बार इस मई में लगाया गया था और तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। राज्य सरकार ने पहले कई प्रतिबंधों के साथ राज्य में अधिकांश गतिविधियां खोली थीं, लेकिन कैसीनो अभी तक नहीं खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर में कोचिंग सेंटर सहित सभी स्कूल और कॉलेजों समेत अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि 100% वैक्सीन लगा चुके स्टाफ व विद्यार्थियों वाले उच्च शिक्षण की अनुमति से पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ को प्रशासनिक कार्यों के लिए आने की अनुमति दी गई है। सरकार ने जारी किए अपने आदेश में कहा, किसी भी इंडोर या आउटडोर सभा में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 25 तक ही सीमित रहेगी। इसके अलावा सभी जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।